मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार और निमरत कौर की फिल्म एयरलिफ्ट बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म की तारीफ हर तरफ हो रही है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत अच्छी रेटिंग दी है और शानदार फिल्म बताया है। ओपनिंग वीकेंड पर कुल 44.30 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म ने पहले चार दिनों में 54.70 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक फिल्म एयरलिफ्ट ने पहले दिन शुक्रवार को 12.35 करोड़, दूसरे दिन शनिवार को 14.60 करोड़ और तीसरे दिन रविवार को 17.35 करोड़ और चौथे दिन यानी सोमवार को 10.40 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी कि पहले चार दिनों में इस फिल्म ने 54.70 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। आपको बता दें कि एयरलिफ्ट इस साल रिलीज होने वाली 7वीं फिल्म है और इसने सभी फिल्मों को कमाई के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन की फिल्म वजीर ने 39.28 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में बनने वाली देशभक्ति फिल्मों के सांचे में फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी इसी एहसास से जुड़े कुछ सीन ऐसे हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे। वैसे मौका भी है और दस्तूर भी। आज रिपब्लिक डे के मौके पर इस फिल्म की और भी ज्यादा अच्छी कमाई की उम्मीद की जानी चाहिए। बात करें अगर फिल्म की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार छाए हुए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो अपनी मसाला फिल्मों में दिखते हैं। यहाँ वो अपने रोल को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अंडर प्ले करते हैं और यही उनके किरदार को असरदार भी बनाता है। अपना फ़ायदा देखने वाले एक चालाक बिजनेसमैन से दूसरों का दर्द महसूस करने वाले इंसान तक अपने बदलाव को वो बहुत ही आसानी से निभा जाते हैं। इसके अलावा फिल्म में सरकारी अफसर के रूप में कुमुद मिश्रा ने बढ़िया एक्टिंग की है। शिकायत करने वाले झक्के किरदार में प्रकाश पेलावड़ी का किरदार अजीब सा लिखा गया है, लेकिन आखिर में जब वो अक्षय को गले लगाते हैं वो सीन भी काफी अच्छा है। बात करें अगर निमरत कौर के किरदार की तो रोल उनका बेशक कम हो पर उन्होंने अपना किरदार बहुत ही मजबूती से निभाया है। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।